हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 6 टू क्लास 12 तक की एनसीईआरटी। इस सीरीज में हम क्लास 6 टू क्लास 9 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी। क्लास 10th की एनसीईआरटी का जो न्यू एडिशन है उसमें ऑलमोस्ट देयर आर 5 चैप्टर, और यहाँ ये मेरे पास पुराना एडिशन है अराउंड 2007 का। हेयर इट इज 8 चैप्टर्स। जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं इसमें दे आर नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम जो है स्टोरीज लिखी गई हैं नेबरिंग कंट्रीज की, वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज की एग्जाम्पल्स मैंशन करके दिखाया गया है। जैसे कि ये चैप्टर है अबाउट पावर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, तो कंट्रीज में जो जो स्ट्रगल्स हुई हैं फॉर उनकी देश को इंडिपेंडेंट कराने के लिए या डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसके बारे में मैंशन किया गया है। सो दैट इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक चैप्टर है दैट इज चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, जो न्यू एडिशन में नहीं है, एंड उसे हम ये जो चैप्टर नंबर 5 है इसके साथ ही एड ऑन कर लेंगे। फाइन, सो आप न्यू एडिशन को भी पढ़ेंगे, सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, सो आज जो हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का न्यू एडिशन का, कंटेंट सेम है। पुरानी एडिशन और न्यू एडिशन में जो चैप्टर सिमिलर है उनका कंटेंट एकदम सेम है। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज पावर शेयरिंग। आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पावर शेयरिंग क्या है और क्यों ये जरूरी है। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, जितने भी कंसेप्ट हमने अंडरस्टैंड किए हैं, हमने ये जाना कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, और जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन होते हैं। एक लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, और जुडिशरी होता है। लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उन्हें इंप्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो कि न्याय व्यवस्था देखता है, जस्टिस सिस्टम को देखता है। अब इनके बीच में पावर को डिवाइड किया गया है, बट इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पावर शेयरिंग नेसेसरी क्यों है, किस तरह से वो देश में हेल्प करती है, देश की गवर्नेंस में हेल्प करती है, उसी के बारे में आज के चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल लिया गया है 2 कंट्रीज का, वन इज बेल्जियम एंड अदर इज श्रीलंका। बेल्जियम जो है वो यूरोपियन कंट्री है, और श्रीलंका हमारी नेबरिंग कंट्री है, साउदर्न पोर्शन में पाई जाती है श्रीलंका। ठीक है, और बेल्जियम की अगर बात करें तो ये बॉर्डर करती है 3 कंट्रीज के साथ। एक साइड पे है फ्रांस, जर्मनी एंड नीदरलैंड। ये 3 कंट्रीज जो हैं इनके साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करती है, और इन 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करने की वजह से जो बेल्जियम में जो कम्युनिटी पाई जाती है, जो पॉपुलेशन पाई जाती है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसमें एथनिक वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो अगर हम बेल्जियम की बात करें तो वहां पे 59% लोग जो हैं वो डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि जो कंट्री बॉर्डर्स में इसके साथ रहती है, जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करती है, उनका इन्फ्लुएंस अक्सर देखा जाता है इस पर। ठीक है, सो 59% जो पॉपुलेशन है वो डच स्पीक करती है, डच इज द लैंग्वेज। ठीक है, 40% जो है वो स्पीक करते हैं फ्रेंच, और रिमेनिंग पॉपुलेशन जो है दैट स्पीक्स जर्मन। तो आप देखिए एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी है, 3 तरह की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, कुछ जो मेजॉरिटी है वो डच स्पीकर है, और 40% दैट इज फ्रेंच स्पीकर, और रिमेनिंग जो है वो जर्मन बोलते हैं। और अगर हम बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स उसकी बात करें, तो वहां पे जो कंडीशन है, जो स्टेटस है वो बिल्कुल उल्टा है, बिकॉज वहां पे जो फ्रेंच स्पीकिंग है, जो लोग फ्रेंच बोलते हैं वो मेजॉरिटी में है। ठीक है, ब्रुसेल्स में अराउंड 80% जो है वो फ्रेंच बोलने वाले हैं, और 20% जो है वो डच बोलने वाले हैं। तो आप देखिए एक ही कंट्री में किस तरह की सिचुएशन है। अगर कैपिटल को छोड़ दिया जाए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ कंट्री में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो डच बोलने वाली है, डच लैंग्वेज बोलने वाले, और अगर ब्रुसेल्स की बात की जाए वहां पे मेजॉरिटी है फ्रेंच बोलने वालों की। अब जिनकी जो मिनोरिटीज हैं, जो कंट्री में माइनॉरिटी में पाए जाते हैं, दैट इज फ्रेंच बोलने वाले,
अगर ब्रुसेल्स को छोड़ दिया जाए तो फ्रेंच बोलने वाले आर इन माइनॉरिटीज, बट अगर उनको फाइनेंशियली इकोनॉमिकली देखा जाए तो वो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन से बेटर हैं, लिटरेसी में भी वो आगे हैं और फाइनेंशियल कंडीशन में भी वो बेटर हैं। पॉपुलेशन में वो माइनॉरिटी हैं, लेकिन इकोनॉमिकली और लिटरली वे में दे इन बोथ द कैटेगरी दे आर अहेड ऑफ रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसकी वजह से जो डच बोलने वाले लोग हैं वो इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी में डच हैं, माइनॉरिटी में फ्रेंच हैं, लेकिन माइनॉरिटी में होने के बावजूद वो इकोनॉमिकली रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन से अहेड है। अब जो माइनॉरिटी में होते हैं उन्हीं को जो है बेनिफिट जो है एजुकेशनल बेनिफिट वगैरह जो है वो दिया जाता है। सो इसकी वजह से जो है डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वालों के बीच में एक तरह का कन्फ्लिक्ट हो जाता है, और ये जो है इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है ये बहुत लंबा चलता है। अराउंड 1950 से 1960 तक इनके बीच में ये विरोध ये कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ठीक है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन माइनॉरिटी पॉपुलेशन अक्सर ऐसा होता है जो जिन लैंग्वेज के वेरिएशन में आप बात करें, रिलीजन में बात करें, आप कल्चरली बात करें, जो भी मेजॉरिटी में कल्चर या रिलीजन होता है और जो माइनॉरिटी में होता है, माइनॉरिटी वालों को हमेशा ये डर रहता है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है लैंग्वेज की रिलीजन की वो उनके हकों को छीन लेगी, उनसे उनके साथ किसी तरह की एट्रोसिटी करेगी, उन्हें उनके राइट्स नहीं मिलेंगे। ये डर हमेशा बना रहता है माइनॉरिटीज में। ठीक है, और मेजॉरिटी ये हमेशा कोशिश करती है कि अगर वो रूलिंग में आए तो अपने अपने फायदे के लिए ही पॉलिसीज बनाए। इसके लिए अगर क्लियर कट रूल्स ना हो तो दोनों पॉपुलेशंस में, दोनों सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में कंफ्लिक्ट हो जाता है। और सिमिलर जो कंडीशन है वो बेल्जियम में देखी गई, क्योंकि एथनिक वेरिएशन बहुत ज्यादा है और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में कंफ्लिक्ट हुआ लिटरली को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इकोनॉमी को लेकर। ठीक है, सिमिलरली एग्जाम्पल एक और यहां मेंशन की गई है ऑफ एग्जाम्पल मेंशन की गई है द अदर एग्जाम्पल इज ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में भी कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन पाई जाती है। जैसे श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में अगर उनकी पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज वो कम्युनिटी जो सिन्हला लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज इन मेजॉरिटी। ठीक है, जो कि अराउंड 74% है। ठीक है, तो 74% जो पॉपुलेशन श्रीलंका में पाई जाती है वो सिन्हला स्पीक करती है और रिमेनिंग 8% जो है वो तमिल स्पीकर्स हैं। और तमिल स्पीकर्स को भी 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है, एक जो वहां के इंडिजीनियस हैं और दूसरे जो इंडिया से वहां माइग्रेट हुए, इंडियन तमिल। एक श्रीलंकन तमिल जो वहां के नेटिव है इंडिजिनस से, इट्स बेटर टू राइट श्रीलंकन तमिल। ठीक है, और इंडिया से जो माइग्रेट होके वहां गए हैं तो उनकी पॉपुलेशन में मेजॉरिटी में जो है दैट इज सिन्हला स्पीकिंग। तो जब जो श्रीलंका है 1948 में जब इंडिपेंडेंट होता है श्रीलंका, इट इज इन 1948, यस, व्हेन श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंट इन 1948, और उसके बाद जब वहां पे इलेक्शंस होते हैं तो सिन्हला स्पीकर्स जो हैं, बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी, वो वहां पर गवर्नमेंट बना लेते हैं। और जैसे ही उनकी गवर्नमेंट बनती है तो वे ये कोशिश करते हैं कि हर पॉलिसी, हर रूल, हर रेगुलेशन जो है वो इस तरह से बनाया जाए कि वो इस कम्युनिटी के फेवर में हो और जो रिमेनिंग कम्युनिटी है उसे किसी ना किसी तरह से दबाया जा सके। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो तमिल स्पीकर है, ये जो 18% पॉपुलेशन है, ये अपने ग्रुप्स बनाती है, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाती है, लीडर्स इकट्ठे होते हैं और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। और इसकी वजह से बहुत बार इनको ये इनके अगेंस्ट खड़े होते हैं गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होते हैं और गवर्नमेंट तमिल स्पीकर्स को दबाने की कोशिश करती है। इस वजह से प्रोटेस्ट बहुत वायलेंट हो गए और सिविल वॉर हुआ श्रीलंका में, जिसमें बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो इन दोनों एग्जाम्पल से क्या चीज क्लियर होती है? अगर हम बात करें बेल्जियम की और श्रीलंका की,
अभी श्रीलंका में तो गवर्नमेंट बन गई और गवर्नमेंट ने अपने रूलिंग में आने के बाद गलत स्टेप्स उठाए, जो माइनॉरिटीज है उनको दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो गया, सिविल वॉर हुआ, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो जो डाइवर्सिटीज थी, डाइवर्सिटी को एकोमोडेट नहीं किया गया, जो भी विभिन्नताएं पाई जा रही हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, उनको एकोमोडेट नहीं किया गया, बल्कि माइनॉरिटीज को दबाने की कोशिश की, रिजल्ट हुआ सिविल वॉर। वहीं अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी है, हम देख चुके हैं, ठीक है, डच स्पीकर्स हैं, फ्रेंच स्पीकर्स हैं और जर्मन स्पीकर हैं। ब्रुसेल उसकी कैपिटल की बात करें तो वहां पर बिल्कुल सिचुएशन उल्टी है, फ्रेंच स्पीकर मेजॉरिटी में, डच स्पीकर माइनॉरिटीज में। बट बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उस पर बहुत सी अमेंडमेंट लाई, उस चीज को बेल्जियम ने एक्सेप्ट किया कि जब तक माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, डाइवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं किया जाएगा, तब तक स्टेबिलिटी लाना कंट्री में इज नॉट पॉसिबल। तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने, बेल्जियम ने इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए अराउंड 1970 से लेकर 1993 तक 4 times अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए। किस मकसद से, कि रूल्स एंड रेगुलेशन को इस तरह से मॉडिफाई किया जा सके कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के राइट प्रोटेक्ट हो सके, किसी को भी हक ना मिले दूसरी कम्युनिटी को दबाने का। तो 1970 से लेकर 1993 तक 4 times कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेल्जियम का वो अमेंड किया जाता है और उसमें चीजें जो इंक्लूड की जाती हैं, लाइक जो सेंटर गवर्नमेंट होगी, ये कहा जाता है कि जो सेंटर गवर्नमेंट होगी वहां पर दोनों स्पीकर्स लाइक डच स्पीकर और फ्रेंच स्पीकर उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। फर्स्ट क्राइटेरिया वॉज दिस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेल्जियम का अमेंड किया गया। साथ ही कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी उन्हें पावर दी जाएगी, वो किसी तरह से भी सबॉर्डिनेट नहीं होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। वो सेंटर के सबॉर्डिनेट नहीं होंगी, उनके पास अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी, पावर होगी, वो अपनी पॉपुलेशन जिस हिसाब से वहां पे पॉपुलेशन पाई जाती है मेजॉरिटी माइनॉरिटी उसी हिसाब से वो रूल्स बना सकते हैं, उनके पास अपनी अथॉरिटी होगी, वो सेंटर के सबॉर्डिनेट नहीं होंगे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, सभी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज की, ठीक है। सो दिस वॉज अ 2 amendments जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई। साथ ही जो ब्रुसेल्स थी, जो उसकी कैपिटल थी, 3rd amendment वॉज दैट कि जो ब्रुसेल्स है, जो उसकी कैपिटल है, वहां पे एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी, जहां पे फ्रेंच और डच स्पीकर्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। सेंटर में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट्स को जो है सेंटर के सबॉर्डिनेट नहीं रखा गया, और जो ब्रुसेल्स है वहां पे एक सेपरेट गवर्नमेंट रखी गई जहां पे फ्रेंच और डच की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। अब सेंट्रल जो कैपिटल है वहां पे फ्रेंच वाज इन मेजॉरिटी, लेकिन वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि रेस्ट ऑफ कंट्री में वो माइनॉरिटी में थे और डच ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था। तो एक जगह जब डच इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फ्रेंच स्पीकर्स भी इस चीज को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। सो ये गिव एंड टेक का जो रिलेशन होता है वो बनता है, एक जगह कुछ कहीं मेजॉरिटी कॉम्प्रोमाइज करती है और कहीं पर माइनॉरिटीज, ठीक है। सो दीज वर द 3 amendments और 4th amendment की जाती है कि एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया जाता है, दैट इज कम्युनिटी बेस्ड। कम्युनिटी गवर्नमेंट की जैसे फ्रेंच स्पीकर्स का एक अलग गवर्नमेंट होगी कम्युनिटी बेस्ड, और जो फ्रेंच जो डच स्पीकर्स होंगे या जर्मन स्पीकर्स होंगे उनकी एक अलग कम्युनिटी होगी, नो मैटर्स वो कहां पर रह रहे हैं, बेल्जियम के किस पार्ट पे रह रहे हैं, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी जहां पे सभी डच स्पीकर्स होंगे, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी फ्रेंच स्पीकर्स की और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी जर्मन स्पीकर्स की, जो उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, उनके वेलफेयर के लिए रूल्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो 4 उन्होंने अमेंडमेंट्स लाए कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका मकसद यही था कि जो कंफ्लिक्ट है डाइवर्सिटी को लेकर उसे मिनिमाइज किया जा सके। अब आप इन
अमेंडमेंट्स को देखेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका है ये गवर्नमेंट को चलाने का. ऑल्दो ये कॉम्प्लेक्स है बट इन चीजों से बेल्जियम में स्टेबिलिटी आई है. एज अ रिजल्ट जो यूरोपियन यूनियन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरोपियन यूनियन, उसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन द ब्रुसेल्स. एक टाइम पे जहां पे बेल्जियम में इतना ज्यादा कंफ्लिक्ट था, एथनिक डाइवर्सिटी थी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी और इतना कंफ्लिक्ट था कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं थी, आज के डेट में इतना अमेंडमेंट लाने की वजह से वो इतना स्टेबल हो गया है कि इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन इट्स कैपिटल. वहीं अगर हम श्रीलंका का एग्जाम्पल लेते हैं तो वहां पर मेजॉरिटी गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी को दबाने के लिए, उनको हटाने के लिए जो काम किया, जिसका रिजल्ट हुआ सिविल वॉर जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई. तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं बेल्जियम का और श्रीलंका का, ये हमें क्या सिखाता है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. सो इट शोज अस, क्योंकि कोई भी आप कंट्री उठा लें डाइवर्सिटी वहां पे होगी ही होगी. अब कितनी परसेंटेज है, कितनी ज्यादा है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, दैट मे वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री बट डाइवर्सिटी विल बी देयर. और अगर डाइवर्सिटी है तो पावर शेयरिंग होना जरूरी है. What are the reasons of power sharing? What is the benefit of power sharing? अगर हम कहें so why power sharing? दोनों example से हमें ये देखने को मिला कि power sharing एक तो help करता है minimizing of conflict. वो conflict को minimize करता है. हमने Belgium का example देखा, वहां पे पावर शेयरिंग हो रही है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को अलग रखा गया है. तो इन सब से क्या हो रहा है, कंफ्लिक्ट कम हो रहा है. तो पहला रीजन पावर शेयरिंग का तो ये है कि ये कंफ्लिक्ट करने में, कम करने में हेल्प करती है. सो सेकेंड इज कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इट इज अ नीड ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री. क्यों? डेमोक्रेसी की ये नीड है. डेमोक्रेटिक कंट्री कहा क्या है, जहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूल करते हैं. अब वहां पर उनके पास भी पावर होना जरूरी है जो रूल्स एंड पॉलिसी से अफेक्ट हो रहे हैं. एक तो अथॉरिटी उनके पास है जो कानून बना रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो कानून इंपैक्ट किसे कर रहे हैं, वो कानून इंपैक्ट कर रहे हैं जनरल पब्लिक को. और सोर्स ऑफ अथॉरिटी डेमोक्रेसी में कौन होता है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ पावर कौन है डेमोक्रेसी में, सोर्स ऑफ पावर इज पब्लिक. क्योंकि पब्लिक ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर रूल करते हैं, वही उन्हीं को गवर्नमेंट बनाने का हक है. वो गवर्नमेंट को घिरा भी सकते हैं, वो नई गवर्नमेंट ला भी सकते हैं. तो सोर्स ऑफ पावर या सोर्स ऑफ अथॉरिटी की अगर आप बात करें तो दैट इज विद द पब्लिक, दैट इज विद द पब्लिक. और पब्लिक के पास पावर है, सो पब्लिक के पास अथॉरिटी है. तो पावर शेयरिंग इज बिटवीन कि जो रूल बना रहे हैं और जो उन रूल एंड रेगुलेशन से इंपैक्ट हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, उनके पास भी पावर और अथॉरिटी होना नेसेसरी है. तो इसीलिए द पावर शेयरिंग इज द नीड ऑफ डेमोक्रेसी. एक तो ये कंफ्लिक्ट मिनिमाइज करती है और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने में, उसकी लाइफ को बढ़ाने में हेल्प करती है, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी का बेसिक क्राइटेरिया यही है कि पावर आ कहां से रही है, इट इज फ्रॉम द पब्लिक. सो पब्लिक के पास हमेशा रहनी चाहिए, जहां पे भी उनके राइट्स वॉयलेट हो उनके पास पावर होनी चाहिए गवर्नमेंट को हटाने की, गवर्नमेंट को दोबारा चुनने की. क्लियर है? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेन पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज आवर कंट्री, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल जो है दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आप समझ सके उन दोनों के एग्जाम्पल को देख के कि किस तरह से अगर पावर शेयरिंग ना हो तो देश में इंस्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक है. सो पावर शेयरिंग की बात करें हमारे देश में, तो हमारे देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि हमने जो आज़ादी पाई है वो बहुत सारे आप कहें बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद पाई है. और उस स्ट्रगल में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था दैट वॉज ऑफ पार्टीशन. पार्टीशन में इतना ज़्यादा ब्लडशेड हुआ था और पार्टीशन का मेन रीज़न क्या था, दैट इज रिलीजन, ठीक है, रिलीजन के बेस पे डिवाइड किया गया था हमारे देश को. तो वो जो डिवीजन था वो फर्दर ना हो, इस चीज से सीखा जाए और फर्दर इस तरह का ब्लडशेड ना हो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो डाइवर्सिटी है उसे अकोमोडेट कर दिया गया था.
और हमारे देश में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट फीचर है, जो एक बेसिक प्रिंसिपल भी आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे बदला नहीं जा सकता। मैं बार बार आपको बताती रही हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी का है, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल इस कंटेक्स्ट में कि जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, उस तरह से उसके प्रोविजंस में बदलाव लाया जा सके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मॉडर्न व्यूज के हिसाब से उसे बदला जा सके। बट एट द सेम टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी बदला नहीं जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर जो उसे यूनिकनेस प्रोवाइड करता है, जो उसे सेपरेट करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और उसी बेसिक स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पावर शेयरिंग, पावर का डिवाइड होना। और हमारे देश में जो पावर शेयरिंग होती है, फर्स्ट पावर शेयरिंग इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में हॉरिजॉन्टली, लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन इसे कहते हैं, कि ऑल आर द एट द सेम लेवल, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, सब एक ही लेवल पे हैं, बट एट द सेम टाइम वो एक दूसरे के काम को आप एक तरह से के मॉनिटर भी करते हैं, ठीक है। हमारे गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन सब के पास अपनी अपनी पावर है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड है, इंडिविजुअल पावर्स है, कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है, ठीक है। बट स्टिल ये एक दूसरे के काम को निगरानी करते हैं, एक दूसरे के काम को मॉनिटर करते हैं। जैसे जुडिशरी है, अगर कोई ऐसा कानून बन जाए जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो या लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, तो जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड कह सकती है। और जुडिशरी के जो मेंबर हैं उन्हें अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करते हैं, प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है, दैट इज एग्जीक्यूटिव। स्टिल प्रेजिडेंट उन्हें अपॉइंट जरूर करता है, बट उन्हें निकाल नहीं सकता, उसका एक अलग प्रोसीजर है। और जहां लेजिस्लेटिव की बात आती है, तो लेजिस्लेटिव को जो है जुडिशरी रेगुलेट करती है कि कोई ऐसा कानून वो ना बना दे जिससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो या बेसिक स्ट्रक्चर वायलेशन में आए, ठीक है। एट द सेम टाइम लेजिस्लेटिव को कंट्रोल किया जाता है, वहां के मिनिस्टर्स जो वेरीज पार्लियामेंट के जो वेरीज आप एक तरह से कहीं प्रोविजंस रखे गए हैं क्वेश्चन ऑर्स के, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तो इस तरह से उसे कंट्रोल में रखा जाता है। तो ये तीनों ऑर्गन्स हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड हैं, तीनों अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं। इन तीनों को पावर कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन सबके पास अपनी अपनी पावर है और एक दूसरे के काम को मॉनिटर भी कर रहे हैं। So that is called horizontal power sharing. देख रहे हैं कि कोई अपने एरिया से बियॉन्ड जाके काम ना करे। So this is one type of power sharing जो हमारे governance में देखने को मिलती है, इंडिया की form of government में देखने को मिलती है। Second is vertical. Vertical is जो federal form of government में मिलती है। Federalism हमारे देश में पाया जाता है, जो कि basic structure है। Federalism मतलब कि three tiers है government के। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो दिस इज वर्टिकल, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल पावर शेयरिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ज्यूरिसडिक्शन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे देश पे कंट्रोल करती है। वो पूरे उसका जो एरिया है वर्क करने का, दैट इज द होल कंट्री। स्टेट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की, तो वो अपनी विद इन अ स्टेट काम करती है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, तो दैट इज विद इन अ विलेज और सिटी। तो सबसे ज्यादा पावर आप अगर कह सकते हैं, तो दैट इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। उससे कम स्टेट गवर्नमेंट एंड देन कम्स द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उनके ज्यूरिसडिक्शन या उनके एरिया ऑफ वर्किंग से भी ये डिसाइड किया जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल हो गया, जो सिमिलर लेवल पर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। दिस इज
वर्टिकल पावर शेयरिंग. सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग विच इज फाउंड इन अवर कंट्री और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है. नेक्स्ट अगर आप कहें तो एक पावर है दैट इज शेयर्ड बिटवीन द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. जो कल्चर और लिंग्विस्टिक कल्चर और रिलीजियस ग्रुप्स है. थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज बिटवीन रिलीजियस एंड कल्चरल ग्रुप. अब आप देखेंगे हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी पढ़ा है. फंडामेंटल राइट्स में हमारे स्पेसिफिकली मेंशन है आर्टिकल 29 और 30 में, जहां पे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है, वो जो कल्चरल माइनॉरिटीज हमारे देश में पाई जाती है उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं. उसी तरह से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, कल्चरल माइनॉरिटीज हैं, उनको रिजर्वेशन भी दी जाती है. तो उनकी भी पावर शेयरिंग उनके बीच में भी पाई जाती है, ताकि वो अपने जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनके राइट्स का किसी तरह से वायलेशन ना हो, उन्हें ना लगे कि उन्हें दबाया जा रहा है. ठीक है. सो पावर शेयरिंग इज बिटवीन रिलीजियस एंड कल्चरल ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर कंट्री. एक वर्टिकल हो गया जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लोकल सेल गवर्नमेंट है, एक हो गया हॉरिजॉन्टली लेजिस्लेचर के बीच में जो कानून बनाते हैं पार्लियामेंट हमारा, एग्जीक्यूटिव जिसमें मिनिस्टर्स आ जाते हैं सभी, एंड देन द जुडिशरी जो हमारे जजेस है. फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है वो मिलती है पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स. इनके पास भी पावर है. अब आप देखें अभी रिसेंटली जब एग्रीकल्चर लॉज जो है एक्ट जो है वो लाया गया था, तो उसके फार्मर्स उसके अगेंस्ट थे. उन्होंने लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट किया, फार्मर्स की लॉबी बैठी, उनकी जो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके बैठे, और फाइनली गवर्नमेंट को वो कानून वापस लेने पड़े. तो ये एक आप कहें रीसेंट एग्जाम्पल है जो ये शो करता है कि प्रेशर ग्रुप के पास भी पावर होती है. प्रेशर ग्रुप मतलब ये पर्टिकुलर ये ग्रुप होते हैं जो अपनी आप एक तरह से के प्रोटेस्ट के थ्रू, अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू या मिनिस्टर्स के जो अप्रोच के थ्रू ये अपनी बातों को गवर्नमेंट तक लाते हैं और अपनी जो बातों को है वो मनवाते भी हैं. दैट इज द प्रेशर ग्रुप. ठीक है. तो वो हर एक कैटेगरी में हो सकते हैं, वो बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स भी हो सकते हैं, वो एग्रीकल्चर के भी रिलेशन में भी हो सकते हैं, वो आप स्टूडेंट ग्रुप्स भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के भी हो सकते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के दीज ग्रुप्स बिलोंग टू. सो प्रेशर ग्रुप्स के पास भी पावर होती है. दे कैन कंपेल द गवर्नमेंट टू ब्रिंग अ चेंज इन द लॉ. अगर कोई लॉ लाया गया है जो उनके खिलाफ है वो उसे रुकवा भी सकते हैं, और जो नहीं लाया गया उसे ला भी सकते हैं. ठीक है. उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी पावर होती है. देखिए डेमोक्रेसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज चॉइस. अगर डेमोक्रेसी में चॉइस नहीं है तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है. जब तक लोगों को डिफरेंट पार्टीज में से चुनने की चॉइस नहीं होगी तो वो सही फैसला किस तरह से ले पाएंगे. और अगर कोई पर्सन पावर में आ गया है तो किस तरह से उसे कंट्रोल में रखा जाएगा अगर उसे डर नहीं होगा कि उसे नेक्स्ट इलेक्शन में हराया जा सकता है. सो पॉलिटिकल पार्टीज ओपोजिशन इनके पास भी इक्वल जो है पावर होती है. ये क्वेश्चन पूछ के नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, जिससे गवर्नमेंट हटाई जाती है, जहां गवर्नमेंट को कहा जाता है कि वो ये प्रूव करें कि दे आर स्टिल इन मेजॉरिटी. तो जो ओपोजिशन पार्टीज होती हैं, और अगर गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही है, कुछ गलत पॉलिसीज ला रही हैं, उनके बारे में भी ओपनली बोल के मीडिया को बता के लोगों को बता के पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं गवर्नमेंट को घिरा सकती हैं. सो पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के पास भी पावर होती है. सो दिस इज द फोर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और हमारे देश में पाई जाती है. ठीक है. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पावर शेयरिंग बिटवीन कल्चरल और रिलीजियस ग्रुप्स, एंड द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स. सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने जाना सबसे पहले कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, ताकि देश में स्टेबिलिटी लाई जा सके, उसके कंफ्लिक्ट को मिनिमाइज किया जा सके. और फिर हमने देखा कि हमारे देश में पावर शेयरिंग कितने लेवल्स पे पाई जाती है. सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर. मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.